हैदराबाद में तरक्याती फंड की मद में आयल रकम की सही विरासत न थियण पीएस 45 46 48 पीएस 49 के तरक्याती कमन में नज़रअंदाज करण ते एमक्यूएम पाकिस्तान के टिन एमपीएस सिंध हाई कोर्ट में सिंध हुकूमत खिलाफ पटिशन दाखिल करे छी है। इन मौके ते सहाफियन से गालाइंदे संदन चवण हो तो हाई कोर्ट में आईनी पटिशन दाखिल करने के लिए आए हैं और दाखिल करने की जो वजह बनी है वो वजह ये कि 2016-17 के प्रोविंशियल बजट में उस बजट बुक के सीरियल नंबर 76 में कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के तहत 8,500 मिलियन रुपए की रकम मुख्तस की गई थी और उस रकम को खर्च करने के लिए जो नोटिफिकेशंस के ज़रिए तरीक़ेकार वज़ा किया गया था वो तरीक़ेकार ये था कि हर कॉन्स्टिट्यूंसी में मसावी बुनियाद पर बराबरी की बुनियाद पर वो पैसे तकसीम होंगे जिससे इलाके के गरीब आवाम को पीने का पानी या तालीम और दीगर सहूलियात सेहत से मुतालिक फराहम की जाएंगी। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स हैं चाहे डिप्टी कमिश्नर हों चाहे कमिश्नर हों चाहे फाइनेंस सेक्रेटरी हों चाहे चीफ सेक्रेटरी हों उन्होंने जब इस रकम को रिलीज़ करने का मरहला आया तो हैदराबाद से सारा प्रोसेस तमाम चीज़ों का कोडल और लीगल फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर दी गई थी लेकिन उसके बावजूद इस हैदराबाद में पीएस 47 पर वो रकम रिलीज़ की गई पीएस 50 पे वो रकम रिलीज़ की गई जबकि ये शहरी इलाके पीएस 45 पीएस 46 पीएस 48 और पीएस 49 पे वो रकम रिलीज़ नहीं की गई। पीपल्स पार्टी को भी देखना चाहिए कि पीपल्स पार्टी जो खेल खेल रही है सिंध के शहरी इलाकों से टैक्स कलेक्ट करती है और लगाती वो दही इलाकों में भी नहीं, अगर दही इलाकों में भी लगा दें तो हमें तसल्ली आ जाए कि नहीं जनाब हमारे जो दही इलाकों के लोग हैं उनको बेहतर सहूलियात मैसर आ रही हैं। वो ये तमाम पैसे कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसके लिए हमने कानून का दरवाज़ा तो खटखटाया लेकिन पाकिस्तान की मुक्तदर क़ुव्वत हैं वो इदारे जो इन तमाम तर चीज़ों की तहकीकात कर सकते हैं वो ज़रूर देखें कि इस वक्त पीपल्स पार्टी किस तरह सिंध के शहरी इलाकों को लूट खसूटने में मसरूफ है और यहाँ के लोगों को बुनियादी हक देने के लिए तैयार। एमक्यूएम पाकिस्तान पारा सिंध हाई कोर्ट बेंच हैदराबाद में दाखिल कयल पटिशन में चीफ सेक्रेटरी सिंध फाइनेंस सेक्रेटरी कमिश्नर हैदराबाद आई डीसी हैदराबाद के धुर बनाया वो है। कैमरामैन सदरुद्दीन जुड़े गुड अली मुराद चांडियो ऑनलाइन इंडस्ट्री वी हैदराबाद।